अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है. थिंक अगेन. आई एम इंडिपेंडेंट बाय नेचर एंड आई डोंट नीड एनीवन बट फॉर मी इन माय लाइफ. ऐसा अक्सर अगर आप लोग कहते हैं तो आप यकीनन उस कैटेगरी में हैं जिसकी मैं आज बात करने वाली हूँ. हाँ जी, आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स की. और बिफोर आई बिगिन विद दिस वीडियो, मैं तहे दिल से आभार और शुक्रिया कहना चाहूँगी एक मेरी ब्यूटीफुल सी व्यूअर का, जिसने कैप्रिकॉर्न के लिए आपने 10 times हर वीडियो के नीचे लिखा, प्लीज़ मैम कैप्रिकॉर्न, मैम प्लीज़ कैप्रिकॉर्न, मैम प्लीज़. जबकि आज जेन्युइनली मुझे जेमिनी की वीडियो डालनी थी और मुझे लगा नहीं, इतनी फर्वेंटली रिक्वेस्ट आई है तो जैसे हम भगवान के दरबार में जाके मन्नत मांगते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, तो मेरे इतने प्यारे से व्यूअर ने जब मुझसे कहा कि मैम प्लीज़ मेरी ये वीडियो डाल दीजिए, तो मुझे लगा अच्छा चलो अब की बार कन्या तुम्हें खुश करते हैं. जोक्स अपार्ट एंड जोक्स असाइड, आज की वीडियो होने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए. इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ. पोल पट्टी तो ऑब्वियसली खुलने वाली है आप लोगों की, इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स ऑल दोज पीपल हु आर कनेक्टेड विद कैप्रिकॉर्न्स. आज की वीडियो मैं एक अलग लोकेशन पे शूट कर रही हूँ. ये है मेरा फार्म हाउस और मैं फार्म पे आई हूँ और मुझे लगा कि लेट मी टेक एन एडवांटेज एज आई ऑलवेज डू और मुझे यहाँ पे शूट करनी चाहिए. आपको थोड़ा सा एक चक्कर भी लगवाऊँगी और इस जगह का नज़ारा भी दिखाऊँगी. बहुत ही ब्यूटिफुल सी जगह है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है. तो चलो देर ना करते हुए लेट्स बिगिन. आप अपने मन में ग्रजेस जिंदगी भर रख सकते हो. आपको किसी ने दिल दुखाया, आपको किसी ने तंग किया, आपके लिए किसी ने बुरा सोचा या बुरा किया और आप जान गए कि बुरा हुआ है, वो एक ग्रज. अगर कभी बचपन में भी हुआ होगा ना, आपको बखूबी उसकी पेन, कहते हैं रिश्ती रहेगी जिंदगी भर. आप 80 साल के हो जाएंगे ना, तब भी आपको कोई पूछेगा, आपके पोते पोतियाँ या कोई भी आगे बच्चे आगे पूछेंगे कि अपनी ज़िंदगी के कुछ लाइफ लेसन्स हमें बताइए, तो आपको वो जो पेन पॉइंट्स होंगे ना, आपको वो एंड तक याद रहेंगे, आप उन्हें भूलेंगे नहीं और कहीं ना कहीं बातों बातों में वो ज़रूर निकल जाएंगे, क्योंकि आपके घाव बहुत गहरे उनको महसूस करते हैं आप. और परत दर परत कितने भी साल उसके ऊपर लग जाएं, आप उन्हें भूलते नहीं हैं. आपके लिए दोस्त और दोस्ती, मतलब इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है. आप अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. आपके लिए दोस्ती सर्वोपरि है. फैमिली भी बाद में आती है, आप लोगों के लिए दोस्त सबसे पहले आते हैं. आपकी कहते हैं ना लिस्ट में नंबर 1, 2, 3 आपके फ्रेंड्स ही होंगे, जिनके लिए आप तहे दिल से कुछ भी कर सकते हैं. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने फ्रेंड्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. आपकी दोस्ती इतनी इतनी प्यार भरी होती है कि आप जैसे कहते हैं ना लड़कपन में, या व्हेन यू आर यंग, तो आपके दोस्त ने कहा यार उसने मुझे ऐसा कहा, तो आप बोलोगे अच्छा ऐसी की तैसी, चल तेरा दोस्त किस दिन काम आएगा, तेरा भाई किस दिन काम आएगा, एंड यू जस्ट गो एंड हेल्प योर फ्रेंड टू गेट ओवर दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. आप जैसे डिटर्मिंड लोग नहीं और जनरली होते, बहुत कम सन साइंस होते हैं जो बहुत डिटर्मिंड होते हैं, और आप बहुत ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन रखते हैं. आपके मन में एक्चुअली भावना ये है कि अगर मैंने सोच लिया ये करना है, तो कम वॉट में दुनिया इधर की उधर हो जाए, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आप वो काम पूरा करके ही आराम लेंगे या रेस्ट करेंगे. उससे पहले आप कुछ चीज़ों को छेड़ते नहीं, हाथ तक नहीं लगाते. आपके लिए दिखावटी लोगों की, फेक लोगों की कोई आपके दिल में, आपके जहन में, आपके आसपास कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आपको दिखावटी लोगों से इतनी नफरत है कि आप मतलब उनके मुंह भी नहीं लगना चाहते, आप उनसे बात भी नहीं करना चाहते, और आप सेकंड्स में भांपते हो कि ये दिखावा है. वो कहते हैं ना एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है गोल्ड वाली, जो गोल्ड प्लेटेड या पॉलिश्ड होती है, आप बहुत बखूबी जानते हो कि ये 2 दिन में धुल जाएगी, इसलिए आप अपने आप को उनसे बहुत दूर रखते हैं. आप नेचुरली लीडर्स होते हो. आपके अंदर ना कुछ एक ट्रेट्स होते हैं लीडरशिप के, निकल निकल के आने वाले, तो वो लीडर्स जो हैं आप नेचुरली होते हो, बॉर्न लीडर्स होते हो, नेचुरली होते हो, विच इज़ सच अ ग्रेट थिंग, विच इज़ सच अ ग्रेट अमेजिंग ट्रेट ऑफ योर्स. अब हम आते हैं एक बहुत प्यारी सी आपकी क्वालिटी पे, कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं,
आप बहुत हेल्पफुल हैं, आप बहुत दिल के एक एक वार्म हार्टेड पर्सन हैं, बड़ी गर्म जोशी से आप अपने रिश्ते निभाते हैं, अपना प्यार निभाते हैं, आप बड़ी गर्म जोशी से अपनेपन से अपने लोगों के साथ, और आपके व्यवहार में दिखता है आप उनके लिए एक्स्ट्रा कदम उठाएंगे, आप उनके लिए मतलब कुछ भी जैसे प्लानिंग भी करनी होगी कहीं जाने के लिए तो आप कम्प्लीटली उसमें घुस के प्लानिंग करना चाहोगे कि अच्छा मैं करती हूँ पूरा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे करेंगे, इस जगह जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे, यहाँ खाएंगे, यहाँ पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, और कम्प्लीट आप हर चीज़ अपने हाथ में लेकर उसको बखूबी 100% फुल प्रूफ तरीके से प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन आप करते हैं। अब आपकी पोल पट्टी खोल दी जाए, दो बातें बताने वाली हूँ आपके लिए। आपकी प्राइड, आपकी इमेज इज वे स्ट्रॉन्गर देन योर फीलिंग्स। अगर आपसे किसी ने बदतमीजी से बात करी या आपको कुछ छोटा दिखाने की कोशिश करी, आप मुड़ के भी नहीं देखोगे उस बंदे की तरफ या बंदी की तरफ, क्योंकि आपके लिए आपकी प्राइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जिससे प्यार करते हो उसके लिए किसी भी हद तक झुक सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी ने थोड़ा सा भी कुरेद दिया तो फिर माशाल्लाह भगवान ही मालिक। सेकेंड, वेरी इम्पॉर्टेंटली, आपको कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आती है, आपके चेहरे के हाव भाव सेकेंड्स में बखान कर देते हैं, इट इमीडिएटली शोज ऑन योर फेस दैट यू आर नॉट लाइकिंग इट एंड परहैप्स यू आर जस्ट वांटिंग टू मूव अवे फ्रॉम दैट। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि ये बुरी आदतें हैं, और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि ये अच्छी आदतें हैं, क्योंकि कुछ हद तक आई थिंक मैं कैप्रिकॉर्न तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ सेल्फ इमेज थोड़ी सी भी ठेस पहुँचे तो आई थिंक आई ऑल्सो कैन नॉट एक्सेप्ट द पर्सन लेटर, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू सो। अब हम आते हैं आपकी एक ब्यूटिफुल क्वालिटी पे। आपको मैं 3 C's से पहचानती हूँ। कौन से हैं वो 3 C's? दोज 3 C's आर कंस्ट्रक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्शियस। आप कंस्ट्रक्टिव भी हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और आप कॉन्शियसली काम करते हैं। ऐसा नहीं कि दिल कहीं दिमाग कहीं, इस तरह से नहीं। तो जिस भी काम में आप घुसेंगे 100% घुसेंगे और फिर उसे पूरा कर दिखाएंगे, विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल क्वालिटी इन यू। आपकी स्ट्रेंथ्स में मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल गिनती हूँ, मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल गिनती हूँ, मैं आपको बहुत डिसिप्लिनड गिनती हूँ, और बहुत ही ब्यूटिफुल चीज़ आपकी है कि आप बहुत रिसोर्सफुल हो। कुछ भी काम होगा कहीं से भी ढूंढना होगा। सो आई हैड दिस वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंड ऑफ माइन who I would bank on like आँख बंद करके, because अगर मैं एक काम भी कहती ये करने का मन है, मैं कहती उससे पहले ही वो सोच चुकी होती थी और उससे पहले ही वो चीज़ें मेरी टेबल पे होती थी। सो इट वॉज़ लाइक मिरेकल्स हैपनिंग। सो आप इस तरह से रिसोर्सफुल हैं कि आप एंड तक आपके आपके फ़ोन के अंदर, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर, आपकी डायरीज में, आपके मेल्स में, आपके पास आप हर वो इंसान जो आपको लगता है रिसोर्सफुल है, आप उससे इन टच रहते हैं एंड आप इन टच रहना चाहते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टूवर्ड्स व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। अब मैं कुछ उन बातों पे आने वाली हूँ जो मैंने कहा था, जो लोग कैप्रिकॉर्न्स के साथ जुड़े हुए हैं और जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये उनके लिए कुछ सुझाव, सम सजेशंस टू यू फॉर कीप दैट रिलेशनशिप गोइंग फॉर एवर। सबसे पहली चीज़, जस्ट ट्रीट देम लाइक क्वीन, ट्रीट देम लाइक प्रिंसेस, ट्रीट देम लाइक वेरी सक्सेसफुल, एंड उनको एक अच्छी तरीके से आप ट्रीट करिए, क्योंकि उनके लिए अपना सेल्फ फीलिंग से ऊपर है, मैंने बताया ना। तो अगर आप उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे तो यकीन मानिए आपको ट्रीटमेंट उससे बढ़कर डबल ट्रिपल 4 times अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बाहर से ऐसे लगता है जैसे ये किसी से बात नहीं करते क्या, ये बड़े खड़ूस टाइप के हैं क्या, ऐसा नहीं है। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है, मोम के बने हुए हैं, सिर्फ ऊपर से ही थोड़े से सख्त और थोड़े से गर्म मिजाज के दिखते हैं, अंदर से ये बिल्कुल वैसे नहीं होते। सो डोंट गो बाय अपीयरेंसेज, जस्ट मियर अपीयरेंसेज, दे एक्चुअली आर अडोरेबल पीपल एंड दे लव, दे आर फुल ऑफ लॉट ऑफ वार्म्थ। आई टोल्ड यू नो दे आर वेरी वार्म हार्टेड पीपल। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, इनको अपने लुक्स पे बड़ा गुमान है, मतलब ये अपना बड़ा ध्यान रखते हैं। दे रियली टेक केयर ऑफ देम सेल्व इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंसेज। इनको लगता है कि हम जैसे भी हैं, मतलब प्रेजेंटेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं जैसे सामने दुनिया के आऊं या लोगों के सामने आऊं तो मुझे एक अच्छा इंसान दिखना चाहिए। सो दे डू टेक केयर ऑफ देयर लुक्स एंड देयर प्रेजेंटेशन, स्पेशली देयर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज, जब ये सैड होते हैं ना तो ये ऐसे नहीं होते कि मतलब कहीं इधर उधर घूमने निकल जाएँ, टहलने निकल जाएँ, मूवी देखने निकल जाएँ, नहीं।
ये उस सैडनेस के मोमेंट को भी सैडली ही इंजॉय करते हैं। अब मैं कहूँ इंजॉय का मतलब ये है कि अगर बहुत सैड हो गए तो सैड सॉन्ग सुनने लगे, प्लेलिस्ट पे आफ्टर वन आफ्टर दी अदर वन आफ्टर दी अदर 3-4-5 गाने सुने और वो मोमेंट्स को एब्जॉर्ब किया, चाहे वो सैड मोमेंट्स थे या तकलीफ वाले मोमेंट्स थे, बिकॉज ये उनको फिर अपनी ज़िंदगी से बाहर जाने नहीं देते। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी सैड रहते हैं, उसमें से निकल जाएंगे, लेकिन वो उन मोमेंट्स को ये फील करते हैं, दे जस्ट डोंट ब्रश देम अंडर द कारपेट, दैट्स द राइट थिंग। सो आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई कैप्रिकॉर्न है तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप उनके पास जाएं और उनकी हेल्प करें सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ इट एंड दे कैन एक्चुअली यू कैन हेल्प देम एंड हैंड होल्ड देम एंड गिव देम दैट हग एंड गिव देम दैट वॉर्म्थ कि हम हैं आपके साथ, डोंट यू वरी, यू नॉट अलोन। सो आई थिंक दैट विल ब्रिज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर इफ इन केस यू हैव और इन केस इट्स अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड और इन केस इट्स अ पार्टनर रिलेशनशिप, कि आप किसी के लिए भी किसी हद तक भी खड़े हो सकते हैं। यू कैन एक्चुअली स्टैंड फॉर एनीबडी स्पेशली फॉर कॉज, कुछ आपको मालूम है कि ये प्रॉपर कॉज है, ये इस तरह का कॉज है, तो उसके लिए आप किसी भी मोमेंट पे किसी भी हद तक खड़े रह सकते हैं, विच इज़ रियली कमेंडेबल। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपकी मियर प्रेजेंस से ही इंटिमिडेट होते हैं, यानी कि आप बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन आप वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे और उन्हें देखेंगे तो जैसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो सामने वाला है जिसकी दाढ़ी में तिनका है यानी जिसने थोड़ी सी गड़बड़ करी है, वो मतलब घबरा के बातें टोल मटोल करके वहाँ से गायब हो जाता है, सरक लेता है या लेती है, बिकॉज उसको लगता है कि मैं पकड़ में आ गया एंड द पर्सन नोज मोर अबाउट मी। सो दीज आर टू ट्रेड्स विच आई रियली रियली अडोर अबाउट यू गाइज, यू आर अमेजिंग इन दैट मैनर। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द सन साइंस इज, नंबर वन, योर सिंबल इज गोट, बकरी। Great. Never wanted to offend you. I was just trying to imitate you. I hope मैंने जिसको बोला वो समझ गई होगी. Love you so much. Second important thing, your element is earth. आप धरती से जुड़े हुए इंसान हो, आपको धरती पे चलना, आपको चलने का भी बहुत शौक है, हाँ. You love to walk around and you want you enjoy those things. Then next is planet is Saturn, आपका जो planet है वो Saturn है. You're more compatible with Cancer, Virgo, Taurus and Scorpio and you are less compatible with Gemini, Aries and Leo. Your lucky colors are brown and green. Your lucky stone is garnet. Your lucky day is Saturday. Your lucky metal is lead and your lucky number is 8, infinity. So this is all about the sun sign Capricorn. अगर आपका थ्रू डेट ऑफ बर्थ या सन मून राइजिंग में है तो आप इससे रेजोनेट करेंगे 100%, नहीं तो बिटवीन 80-100%, अगेन डिपेंडिंग ऑन वेयर व्हाट काइंड ऑफ अ सन साइन आर यू लुकिंग एट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो और तहे दिल से शुक्रिया, आभार आप सभी का इस पर्टिकुलर सीरीज़ को झोलियाँ भर के प्यार देने के लिए और मेरे अंदर से एक्चुअल वाली नीति है वो निकालने के लिए। और जितना मज़ा आपको आ रहा है इनको वीडियोस को देख के कमेंट लिखने में, उससे कहीं दुगना मज़ा मुझे आ रहा है इनको क्रिएट करने में और आप लोगों के लिए इन्फॉर्म करने में, एंटरटेन करने में। एक बात मैंने जानी है, इतने सारे लोग अलग अलग सन साइंस में होते हैं और हम मिक्सचर होते हैं 2-3 के, या सन राइजिंग होगा या मून राइजिंग होगा या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा और हमें में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेट्स ज़रूर आते हैं। ऐसे में हम जिन लोगों से साथ जुड़ते हैं वो हमारे लिए दो कारण बनते हैं, या हमें कोई एक लेसन देने के लिए आते हैं या हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, और ज़िंदगी में दोनों का होना इम्पॉर्टेंट है। ये एक बहुत डीप बात है और आई होप आप समझ पाएँ। सिर्फ ये रंज रखना कि तुम्हारी मेरे से कंपैटिबिलिटी कम है या नहीं है इज़ नॉट द सॉल्यूशन एंड नॉट द आंसर। सो अब इट्स बिकमिंग अ लिटिल डार्क एंड अंधेरा भी हो रहा है और मुझे मच्छर ने तंग करना शुरू कर दिया। बिफोर आई वाइंड अप आई विल जस्ट शो यू अराउंड सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट दिस ब्यूटिफुल जन्नत विच आई से। थैंक यू सो मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे अबंडेंट। Lots of. So, ये मैं पीछे वाली साइड पे आई हूँ अपने फार्म के। You can see it's entirely green. Some fruit trees here. And that's it. So, ये वो एरिया है where we stay.
देर आर फार्म हाउसेस। इसके अलावा फार्म्स आगे तक स्प्रेड हैं, वेयर मैं दिन के टाइम में ही आपको दिखा पाऊँगी, जहाँ बहुत सारे फ्रूट ट्रीज लगे हुए हैं, एनिमल्स हैं बहुत सारे। वी हैव डक्स, वी हैव ईमोज, वी हैव डॉग्स, वी हैव लॉट ऑफ एनिमल्स हियर, काउज, वी हैव बफलोज एंड प्लेंटी ऑफ अदर एनिमल्स।